हमारे लिए आज की तलावत खुदावन आप सबके साथ है अनजील मुकदस बा मुताबक मुकदस मत्ती ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो उसका उन्नीसवा बाब और सोलह आयत से और देखो एक शख्स ने पास आकर यस्ू से कहा ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी जिंदगी पाऊं सु ने उससे कहा कि तू नेकी की बात मुझसे क्यों पूछता है नेक तो एक ही है लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर उसने यस्सु से कहा कौन से हुक्मों पर यस्ु ने कहा कि इन पर तू खून मत कर जना मत कर चोरी मत कर झूठी गवाही ना दे अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर और तू अपने हमसाय को अपनी मानद प्यार कर उस नौजवान ने यीशु से कहा इन सब पर मैं अमल करता आया हूं अब मुझ में क्या कमी है यीशु ने उससे कहा अगर तू कामल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना दुशवार है और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो यहां तक आज की अंजील मुकदस जिसके वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए तेरी साइशो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है सुई गेट सुई गेट की बात जब यीशु करते हैं तो एक अमीर नौजवान यीशु के पास आता है उसके पास बहुत सारी दौलत है उसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास बहुत सारी जमीन है और उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके पास उसके बुत है वो अपने बुतों को नहीं छोड़ना चाहता वो अपनी दौलत को नहीं छोड़ना चाहता वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहता इसलिए यस्सु ने यह मिसाल दी शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जब यरूशलेम का मेन गेट वो बंद हो जाता था तो छोटा गेट खोला जाता था जिसमें ऊंट से सामान उतार कर उसको कर उस गेट से गुजारा जाता था लेकिन यीशु आज सुई गेट की बात कर रहे हैं ये इसराइल में रवायत थी कि इस सुई नमा गेट से जहां ऊपर नीचे होकर और इधर दाएं बाएं होकर और टेढ़ा होकर गुजरना पड़ता था और उनका ख्याल था कि अगर हम इस गेट से गुजर जाएंगे तो हमारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे ये मिसाल दे रहे हैं कि अगर ऊंट को भी कहें कि यहां से किसी तरीके से गुजारे तो वो गुजर जाएगा लेकिन ये इस शख्स जैसा अमीर आदमी सारे अमीर नहीं सिर्फ ये अमीर आदमी जो ये अपना ख्याल करता है कि दौलत ही सब कुछ है दौलत ही उसका खुदा था बुद्ध ही उसका खुदा था और वो उसको प्यार करता था उसके साथ रहता था दिन रात किसके साथ गुजारता था अपनी दुआएं उसके सामने पेश करता था और कहता था कि ये जो बुद्ध है यही मुझे सब कुछ देगा और यही मेरी हमें दौलत देता है यही हमें आगे बढ़ाता है यही हमें अकल देता है यही हमें फाहम देता है यही हमारी जिंदगी है यही हमें जिंदगी देता है और ये मुश्किलों से निकालता है और जिंदगी को बढ़ाता है और इसलिए वो अपना बुत नहीं छोड़ना चाहता था यहां ऊट क्योंकि बड़ा जानवर था उस इलाके का यहां ये मिसाल है ऊंट की कि वो अपना बहुत कुछ जो था वो छोड़ना नहीं चाहता था अपनी जायदाद नहीं छोड़ना चाहता था अपनी दौलत नहीं छोड़ना चाहता था अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहता था अपने अंगूरों के बाग नहीं छोड़ना चाहता था अपने जैतून के बाग वो नहीं छोड़ना चाहता था और सबसे बड़ी बात ये जैसे ऊंट की मिसाल दे रही है दी जा रही है कि वो अपना बुद्ध नहीं छोड़ना चाहता उसकी पूजा करना चाहता था इसलिए यीशु ने अपने शागिर्दों को यह मिसाल देकर समझाया आए हम आज भी अपने बुद्ध छोड़ दें, एक और सच्चे खुदा को माने और हमारे अंदर जो बुद्ध हैं, एक तो जो मट्टी के बनाए जाते हैं धात से बनाए जाते हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं और ऊपर चांदी और सोना मड़ा जाता है एक तो बुत वो है एक बुद्ध हमारे अंदर है उनको पहले छोड़ना है वो बुत क्या है और वो बुत ये है नफरत का बुगज का लड़ाई का कत्ल का खून का जुर्म और ऐसे ऐसे हम हमौने काम करते हैं चोरी करते हैं और ये बुत हमने छोड़ने हैं। एक और सच्चे खुदा को मानना है जब एक और सच्चे खुदा को मानेंगे तो फिर हम इन बुतों के करीब नहीं जाएंगे ना ही दांत और लकड़ी के और मट्टी के बने हुए और ना ही जो हमारे दिल में बुत हैं और जो नफरत और बुएस के बुत हैं इनके करीब हम नहीं जाएंगे खुदा हम सबको बरकत दे आमीन Mm. oh yeah